ये देखो ना दोस्तों, टायर के हाल आप पूरे देखिए। लेबर वाले हैं ना, जो उन्होंने अपना बच्चा देखो सड़क में सोने के लिए रख रखा है। दोस्तों आज मैकेनिक भी बन चुके हैं, अपनी बाइक का टायर भी खोल दिया है। और ये देखो दोस्तों, अभी जो हम आपको गाड़ी दिखा रहे थे ना, वो हमने बुक कर दिया है। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी है सोलन जाने की। सोलन दोस्तों मैं इसलिए जा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी जो मशीन है घास काटने की, वो थोड़ी ख़राब हो रखी है। और आजकल ना जो घास काटने का सीज़न है ना, वो पीक पे है। तो मैंने तो अभी बिल्कुल भी घास नहीं काटा हुआ है, रिलेटिव का ही काटा था मैंने एक दो दिन, और उसी में ये मशीन ख़राब हो गई है। तो इसलिए मशीन को ठीक कराना ज़रूरी है। और दोस्तों आज ना हम जाने वाले हैं इस पिकअप में, ये मेरे फ्रेंड की है, इसको मैं रात को ही ले आया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान ले जाना था। और जो मेरी बाइक का टायर है ना दोस्तों, वो भी फट रखा है दोस्तों, पंचर भी नहीं है, फट रखा है। तो उसको अभी खोलना है और उसको भी ले जाएंगे, उसको भी बना के लाएंगे दोस्तों आज। ये जो हिमालयन बाइक है ना दोस्तों, ये टायर बहुत खाती है, 9 या 10 हज़ार ही चलते हैं दोस्तों इसके टायर ना। एक तो भारी है, वेट है इसका, इस वजह से ये टायर ज़्यादा खाती है। और वैसे तो मेरे को पता लग गया था कि ये टायर फटने वाला है, अगर मैं इसको टाइम से बदल देता ना दोस्तों, तो मेरे को ये टायर खोलने की ज़रूरत नहीं थी। अपने वहीं वर्कशॉप में मैं इसको आराम से बदल सकता था। पर ये एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है दोस्तों, खुद टायर खोलना और लगाना आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सी राइड ऐसी करनी है दोस्तों, जिसमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई मतलब मैकेनिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो अभी जल्दी से टायर को खोलते हैं और पिकअप में डालते हैं और चलते हैं सोलन की तरफ। ये देखो ना दोस्तों, टायर के हाल आप पूरे देखिए, पूरा कितना फट चुका है। तो दोस्तों आज मैकेनिक भी बन चुके हैं, अपनी बाइक का टायर भी खोल दिया है। और ये देखो हाथ की हाल पूरे खराब हो चुके हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं डुबलू और रविंदर भाई भी हमारे को मिल चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम चल पड़े सोलन की तरफ। तो काफी लेट हो चुके हैं दोस्तों, हमारे को बहुत सारे काम है सोलन में करने के लिए। तो देखते हैं हम वो काम कर पाते हैं आज की नहीं। तो दोस्तों अभी ना हम सड़क से जा रहे थे ना, और यहाँ पे देखो हमारे को कितनी प्यारी चीज़ मिली है। लेबर वाले हैं ना, जो उन्होंने अपना बच्चा देखो सड़क में सोने के लिए रख रखा है, इसके लिए बढ़िया झूला बना रखा है ट्रैक्टर में। तो देख के किस्म से अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि जीवन कितना कठिन है कई लोगों का। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि एक तो मेरे टायर है ना जो बनाने को, जो मेरे फट रखा है, और नया टायर लगाना है, और एक मशीन का काम है। और उसके बाद ना दोस्तों हमारे को शोरूम भी जाना है, एक कार हमें देखनी है आज, मतलब कार पसंद करनी है, और हो सके तो हम टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे, मतलब कार एक बुक करवानी है। अब ये सरप्राइज है आपका कि वो मेरी कार है या रविंद्र भाई की कार है, वो आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। पर हम कार देखने वाले हैं, कार चूज करने वाले हैं, हुंडई के शोरूम जा रहे हैं दोस्तों। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं टोयोटा के शोरूम, और हमने ग्लेंजा की टेस्ट ड्राइव ले ली है। तो पहले तो हमारा प्लान था ब्लेनो देखने का, पर वहां पे ब्लेनो हमारे को अवेलेबल नहीं मिली, और अभी हम ग्लेंजा की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं पिकअप में वापस, टेस्ट ड्राइव थी वो हमने ले ली है ग्लेंजा गाड़ी की। वैसे तो बढ़िया है दोस्तों गाड़ी ना, पर दिक्कत ऐसी है ना कि जो अपना जो बजट है वो है बेस मॉडल तक का। जो ये टॉप मॉडल है ना दोस्तों, इसमें फीचर्स वगैरह भी सही है, और बेस मॉडल दोस्तों इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो महीने की वेटिंग बोल रहे थे, और हम दोस्तों इतना वेट नहीं कर सकते, हमें दिसंबर में गाड़ी निकालनी है। तो इसलिए हम वहाँ से आ गए और अब जा रहे हैं ब्लेनो गाड़ी को देखने। और अभी ना दोस्तों बाहर ना यहाँ पे सोलन में बारिश लग रही है, और मैंने घर में भी फ़ोन किया था कि मौसम कैसा है, तो घर में बता रहे थे मौसम ख़राब है पर बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसा सीन है, कई जगह बारिश हो रही है और कई जगह नहीं हो रही है। तो अभी ना दोस्तों हम चल पड़े हैं देवघाट की तरफ, तो वहाँ शायद हमारे को टायर भी मिल जाएगा ना।
और वहाँ पे ना गोयल मोटर्स शोरूम भी है जहाँ पे हमारे को ब्लेनो मिलेगी दोस्तों, तो एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद आपको भी बताते हैं। एक तो घर से ही दोस्तों हम बहुत लेट आए हैं ना, इसके घर से रविंदर के घर से हम आए लगभग दोस्तों आपका 1 बजे के आसपास, और अभी ना 5 बज गए यार, हमारे गाड़ी फाइनली हो रही है कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो अभी ब्लेनो देखने जा रहे हैं ना, और उसके बाद जल्दी से हमको वो काम निपटाने हैं अपने बाइक का टायर, और जो मशीन भी दोस्तों ठीक करवानी है अभी, और दुकानें ना जल्दी बंद हो जाती है इसलिए हमारे को जल्दी से काम करने पड़ेंगे। डेल्टा में फिर यही कलर मिल जाएगा, व्हाइट? हाँ मिल जाएगा, व्हाइट में पता कर लूंगा ना। अच्छा, मतलब कंफर्म कर लूंगा। तो दोस्तों अभी जो हम आपको गाड़ी दिखा रहे थे ना, वो हमने बुक कर दिया है। बेसिकली ये गाड़ी ना रविंदर भाई के लिए हम चूज कर रहे हैं, दिसंबर में न्यू ईयर से पहले पहले ना इसको निकाल देंगे। तो अभी ना दोस्तों हमने टायर भी लगवा लिया है, मुझे लगभग ट्यूब समेत ना दोस्तों ये टायर 3200 रुपए के आसपास पड़ा है। तो दोस्तों मशीन तो हमारी ठीक हुई नहीं क्योंकि सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। पूरे दिन दोस्तों इतने बिजी थे ना कि खाना खाने तक का टाइम नहीं लगा, तो अभी कुछ खाने के लिए बैठे हैं।